नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं आज की तीसरी वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में निकली हुई भर्ती के बारे में। इस भर्ती में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो, स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है और फॉर्म कभी से शुरू हो रहे अप्लाई करने के लिए। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको पूरी जानकारी बड़े विस्तार में जरूर आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और अब जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में निकली हुई भर्ती के बारे में। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा ये भर्ती जारी की है और आप यहाँ पर देख सकते हो पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन RNT CPC, स्टाफ नर्स और 2 ANM, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, कोल्ड चेन एंड लॉजिक्स असिस्टेंट, ब्लॉक डेटा मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फाइनेंशियल लॉजिस्टिक असिस्टेंट, अकाउंटेंट एंड डेटा असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। ये भर्ती छत्तीसगढ़ में हो रही है ये आपको हम बता देते हैं। मेडिकल ऑफिसर को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको BHMS, BAMS, BUMS डिग्री इनमें से किसी एक डिग्री में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। BDS विद रजिस्टर्ड छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, प्रति माह आपको वेतन मिल सकता है 20,000 और एक मार्क्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिफिकेशन 70 मार्क्स का वेटेज है, एग्ज़ाम के लिए 15 मार्क्स का, एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स का और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए 5 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपको वेटेज मिल रहा है। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको DMLT किया होना ज़रूरी है, BMLT, कोर्स फीस रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसिल आपने किया होगा तो भी अच्छा है, एक साल का पैथोलॉजिकल फार्म मेडिकल कोर्स एंड रजिस्ट्रेशन विद CG पैरामेडिकल आपके पास होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं यदि आपने की है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 10,500 रुपये आपको वेतन मिल सकता है और जो वेटेज है वो सभी इसमें सेम है। क्वालिफिकेशन को 70 मार्क्स का वेटेज है, एग्ज़ाम के लिए 15 मार्क्स का, एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स का और क्वालिफिकेशन के लिए 5 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। वेतन आपको 20,000 से 15,000 तक यहाँ पर मिल सकता है, 15,000 से 20,000 तक वेतन मिल सकता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, 12वीं पास उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 5 और 6 अप्रैल 2018 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। 10 से 12 PM तक आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नियम यहाँ पर दिए गए हैं वो हम रीड करेंगे या बताएंगे आपको, पर उसके पहले हमको आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएट से 10वीं 12वीं पास, पोस्ट ग्रेजुएट, DMLT, डिप्लोमा किए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, डेंटल टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फाइनेंस एंड लॉजिक असिस्टेंट्स के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पे वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है और वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है और 2014 में जो नियम बने थे अपडेटेड उनके अनुसार हो रही है। आयुष मेडिकल ऑफिसर RBSK के पद हेतु निर्धारित शिक्षण योग्यता जो है, योग्यता यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BAMS, BHMS, BUMS के अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ही BDA शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए जाएगा एवं विकासखंड डाटा प्रबंध पद पर विस्तर संभाम हेतु निर्वाह शिक्षण योग्यता के प्रशिक्षण पे छूट प्रदान कर
40% के साथ उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है। तो 40% मिनिमम एजुकेशन आपका परसेंट आपके पास होने चाहिए है और परसेंट पास हुए उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अधिक से एक से अधिक पद की भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को अलग अलग पदों हेतु अलग अलग आवेदन करना चाहिए। यानी यदि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल छत्तीसगढ़ शासन UGC SEA मान्य प्राप्त संस्था द्वारा ही मान्य होगा। यानी शैक्षणिक योग्यता जो है वो छत्तीसगढ़ शासन UGC और AICTC से निर्धारित जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभ्यासक्रम है उनके अनुसार ही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के स्थान पर कमकक्ष डिग्री डिप्लोमा मान्य नहीं होगी। यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला है वही होना चाहिए, दूसरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय अध्वशासकीय संस्था केंद्र छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम का ही मान्य होगी। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल शासकीय अध्वशासकीय संस्था का ही मान्य होगा। और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे हमने आपको कहा उस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 16,000 से भी अधिक आपको वेतन यहाँ पर मिल सकता है। आवेदन को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आवेदक जो है अप्लाई जो करने वाला है उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे, यानी आपको डोमासिल यहाँ पर लाना होगा। जिला रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन अनिवार्य है। आयु सीमा 1 जनवरी 2018 के आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। यानी 18 से 64 एज के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी एज 18 से कम है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, और यदि 64 से ज़्यादा है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। जाति के संबंध में स्थानीय जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। उपरोक्त पद पर आवेदन के साथ वंशीय योग्यता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता अनुवाद संबद्ध प्रमाण पत्र जाति निवास प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों को छाया प्रति अनिवार्य समर्पित कर संलग्न करें। यानी आपके एप्लीकेशन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पास हुए सर्टिफिकेट्स होते हैं 10वीं 12वीं के वे अटैच करने हैं। आवेदक शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र को मूल प्रति अपने साथ अनिवार्य लाए। यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जेरोक्स के साथ साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर लाने हैं जिससे वो वेरीफाई कर सके। रिक्त पदों पर जाति प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष हेतु मान्य होगी। यानी यदि कोई सिलेक्ट हो जाता है तो वो जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। सभी नियुक्त संबंधित को आधार पर 31/3/2019 तक ही पूर्णतः स्थायी स्थानांतरित होगा। ये जो जनरल जानकारी है आप यहाँ पर देख सकते हो। अभ्यर्थियों की कंप्यूटर एवं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कंप्यूटर बेस्ड स्किल बेस्ड टेस्ट स्वास्थ्य व सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यानी जो कैंडिडेट्स है उनको कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और कंप्यूटर ब्रेस स्किल होगी जो इसके आधार पर होगी। यानी कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट होगी वर्ड एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के नॉलेज के अनुसार होगी। जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। और कौशल्य लिखित परीक्षा में आवेदन को 30 प्रतिमास अंक लाना अनिवार्य है। यानी 30 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होती है वो उम्मीदवार के पास होनी ज़रूरी है। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का अंक 05 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पद के संबंध अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र में ही दिया जाएगा। तो ये है पूरी जॉब की जानकारी। जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है जल्द से जल्द आवेदन करें। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ही भर्ती हो रही है। तो आपको जो वेन्यू दिया गया है एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको जाना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ यहाँ पर ही भर्ती हो रही है। एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छी तरीके से पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है कहाँ पर ये हो रहा है और किस तरीके से आपको जाना है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एप्लीकेशन के साथ।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ रखने हैं, जेरोक्स भी आपके साथ रखने हैं, और वेरिफिकेशन के बाद आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, वहाँ पर टेस्ट भी होंगे आपके कई सारे। NS 283 733 रायपुर दिनांक 17/7/2015 पत्र क्रमांक ने जो जानकारी है कभी लॉन्च हुई थी या कभी अपलोड की थी ये PDF उसके बारे में जानकारी दी गई है। 5 और 6 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं, तो जो भी मतदाता अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करें। ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।